हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल ए फेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। स्वागत है एक नए ब्लॉग में आपका। मैं हूं देशराज, मेरे साथ है जीना जो पीछे हो रही है रेडी। और अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 7:30। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर। अभी थोड़ी देर पहले कुछ अलग टाइप की बर्ड्स यहाँ पर आ रखी थी, जब तक मैं कैमरा उठाता तब तक वो गायब हो गई, सो मैं कैप्चर नहीं कर पाया वो। आई मिस द मोमेंट। बट अभी अपन हो चुके हैं रेडी यार, और प्लान में थोड़ा सा चेंज है। पहले सोचा था कि मोइला टॉप जाएंगे, बट अभी हम लोग सीधे निकल रहे हैं देहरादून के लिए, और फिर आगे का प्लान आपको रास्ते में बताएंगे। सो अपन रेडी वेडी हो चुके हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है हमारी, बस थोड़ा बहुत सामान जो है वो रखना है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, आई बॉट दिस बैग आर्मोरो का, क्यूट सा बैग है ये। इसके पीछे ये दो इसके जो हैं इसे अटैच करने के लिए रिबन टाइप कुछ दिया हुआ है। सो ये स्पेशली थार के लिए डिज़ाइंड है। सो जितने भी भाई लोग थार या जीप ऐसी गाड़ी चलाते हैं, सामने डैशबोर्ड में रखने के लिए जगह नहीं होती इतनी ज़्यादा। सो ये बैग आराम से वहाँ पे अटैच हो जाता है, लगाओ सामान रखो, सिर्फ वेलक्रो है, निकालो और लेके चले जाओ। सो बहुत सही बैग है, और अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, किसी को लेना है तो ऑर्डर कर सकता है। सो अभी फ़िलहाल यार गाड़ी में फटाफट सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और चेकआउट हमने कर लिया है। सो भाई, लास्ट टाइम ये देख लो आप, लेफ्ट में बोर्ड लगा हुआ है मनाल्स नेस्ट, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, रेस्टोरेंट भी है इनका, और ऊपर रूम्स भी अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे हैं। वुडन वर्क फुल फर्निश्ड, और ठंड है लेकिन पूरा इंतजाम किया हुआ है। क्या चीज़? कनाता से कम है, बराबर ही है मेरे हिसाब से। तो कनाता तो माइनस चला गया था, तो हाँ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ठंड जिस हिसाब से पड़ रही है उस हिसाब से बराबर ही है मेरे। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधे देहरादून के लिए, और उधर जाके पहले लेते हैं होटल, अपना सामान वामान रखते हैं और फिर वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो भाई एयरटेल का सिम अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, बिकॉज वोडाफोन के भाई नेटवर्क आते हैं पर इंटरनेट नहीं काम करता, बट एयरटेल यहाँ पे सही से काम करता है। ऑल्दो यहाँ पे होटल में जो है वाईफाई अवेलेबल है BSNL का। सो ये मामला है पूरा। मोइला टॉप जीना का मन था नहीं ट्रैक करने का बिकॉज ऑफ द कोल्ड, सो मैंने सोचा क्यों बेफालतू में सज़ा बना दें इसके लिए। सो अपन सीधे अभी निकल रहे हैं देहरादून के लिए। सो ये रास्ता आप लोगों ने देखा ही हुआ है यार, दो दिन से यहाँ आते वक्त भी मैंने दिखाई दिया था आपको लगभग। सो आपको सीधे देहरादून वाले रास्ते में मिलते हैं। सीधे रास्ते में कुछ होगा इंटरेस्टिंग तो ज़रूर कैप्चर करेंगे। फिलहाल तो यार सुबह का मौसम हो रखा है, अभी सनराइज़ भी यहाँ पे मतलब हो गया है, बट वो ढंग से जो पहाड़ों से सूरज निकलता हुआ दिखता है वैसा नहीं दिख रहा है। सो गाइस, हम लोग ये चक्राता जो पॉइंट है जहाँ पे चौराहा है उसके पास लगभग पहुँचने वाले हैं, जो मैंने कल भी दिखाया था आपको। सो एक बार जाते जाते लास्ट टाइम फिर से दिखा देता हूँ। और सामने जो सूरज आ रहा है ना भाई, लोग मैं आपको क्या बताऊं, मतलब पूरा ब्लाइंड कर दे रहा है बीच में। सुबह का सूरज है, सुबह मुझे ग्लासेस लगाने पड़ गए इस चक्कर में, क्योंकि एकदम खतरनाक सूरज पड़ रहा है आँख में इस वक्त। सूर्य देवता एकदम अपनी कृपा बरसा रहे हैं इस वक्त। इंसान ही नहीं है। सो गाइस, ये है वो जो चौराहा पड़ता है। सो ये पूरा आर्मी बेस है। सो ये चौराहा है, यहाँ लेफ्ट में भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, खाने का यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। और ये जहाँ आई लव चक्राता है, ये लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है ये चक्राता मार्केट के लिए है, जहाँ से मैं आया हूँ बैक वो मोहाना,
और ये जहाँ को मैं जा रहा हूँ वापस, ये देहरादून के लिए लेके जाएगा अपन को। सो अब अपन करते हैं यहाँ से कंटिन्यू जर्नी। ये वापसी जब हम लोग आए थे ऊपर, तो सेम रास्ता ही हम फॉलो किया था। सो भाई अभी ट्रैवल करते करते रास्ते में एक जगह मिली है और इतने प्यारे सरसों के फूल हो रखे हैं ना यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो इतने प्यारे बहुत सारे फूल हो रखे हैं, ऊपर भी लगाया मैंने। हाँ ये पूरा देखो, एक छोटा सा क्यारी बनाई है, छोटा सा खेत ऊपर भी, और बहुत सुंदर है, मतलब अलग ही लग रहे हैं यहाँ पे, रियली ब्यूटीफुल मैन। सो वी आर स्टिल ऑन द वे टू देहरादून। अभी यहाँ से 2 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है, थोड़ा बहुत सही से कवर कर लिया, सुबह सुबह का टाइम है, तो फटाफट गाड़ी खींचते हैं और चलते हैं देहरादून। सो भाई सुबह सुबह की धूप में ये जो नज़ारा सामने देखने को मिल रहा है ना, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे सूरज ऊपर को चढ़ रहा है, और जैसे जैसे पहाड़ों में पड़ रहा है, जहाँ जहाँ रोशनी पड़ रही है, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी मेरे राइट हैंड साइड के जो पहाड़ है उसमें सूरज पड़ रहा है, बहुत चल रहा है, धूप ही नहीं पड़ रही। हाँ और जब बीच बीच में गाड़ी में धूप पड़ती है तो आँखों को बुरा लगता है, लेकिन शरीर को बहुत अच्छा सा लगता है कि हाँ यार धूप पड़ रही है। सो भाई अभी यहाँ से 35 किलोमीटर और बचा हुआ है, और अभी जगह तो मुझे पता नहीं हम लोग कहाँ पे हैं, बट अपने लेफ्ट राइट में बहुत सुंदर खेत हैं, स्पेशली मेरे राइट में गन्ने के इतने प्यारे खेत हैं ना, ये देखो, और काफ़ी बड़े बड़े गन्ने हो रखे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर भाई, काफ़ी अच्छी जगह है। सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया, यहाँ से सिर्फ 1 घंटा दिखा रहा है हमारे होटल तक के लिए। सो फटाफट होटल चलते हैं, सामान वामान रखते हैं, फ्रेश होते हैं, और फिर जो अपन ने प्लान किया वो एग्जीक्यूट करते हैं आगे। सो गाइस फाइनली अपन पहुंच गए देहरादून अपने होटल, और इसका नाम है पार्क रेजिडेंसी। ये पटेल नगर में है, 1700 रुपये यहाँ का डेली जो चार्ज है वो है, और सेम रूम है यार, जब कनातल से आए थे तो यहीं रुके थे अपन, सेम यहाँ से व्यू, वही घर, वो ऊपर कहीं पहाड़ दिख रहे हैं, और यहाँ गोलू लाली ने लगेज खोल के अपना कपड़े निकालना शुरू कर दिया है। सो ही बस फ्रेश हो गए, निकलते हैं यहाँ से। सो भाई हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से दलाई हिल्स मसूरी के लिए, सेम ही है यहाँ से, क्योंकि अपने पास टाइम है फिलहाल अभी। सो लास्ट टाइम जब गए थे तो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सो अब मोयला टॉप तो आज जा नहीं पाए, तो सोचा कि दलाई हिल्स चलते हैं, क्योंकि कोविड के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बंद भी थी वहाँ पे। वो बन गया होगा। हाँ वो बन भी गई है, जो बुद्धा की मूर्ति थी बहुत ब्यूटीफुल बनी है, तो मैंने ऑनलाइन देखा था तो मुझे लगा कि यार चलना चाहिए। राइट लेना लेफ्ट लेना, राइट है तो लेफ्ट भी दिखा रहा है, लेफ्ट का दिखा रहा है, ये देखो ना लेफ्ट ढूंढ रहा है। अच्छा, सो भाई अपन पहुंच गए देहरादून का घंटा घर, और यहाँ से अपन लेफ्ट लेके सीधे मसूरी वाली रोड के लिए निकल पड़ेंगे आगे। ट्रैफिक आप लोग देख ही रहे हो भाई, दिल्ली फेल है, और चलान कट रहे हैं धनाधन, पीछे कटा है एक अंकल का। सो गाइस जब जब हम लोग देहरादून आते हैं ना, तो अपनी मेरी कजन से जरूर मिलते हैं। कैसे हो आप? नीचे जल्दी आप नीचे सब रह गए। हेलो फ्रेंड्स, राजू बालो रचाई। हाँ ठीक है, आप लोग नीचे से ऊपर आ गए, वहाँ जा रहे हैं मसूरी दलाईल जा रहे हैं। अच्छा लंच कर ले तूने? भैया अभी लंच वंच नहीं किया, हम चक्रारों से होते हुए आ गए, जितने फोटोज अपलोड होंगी वो सारे के सारे आइडियाज मैंने दिए हैं फ्रेंड्स। चलो ठीक है, ठीक है जा तू जा काम, चलो बाय 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 बाय।
सो भाई इतिहास गवा रहा है कि जब जब हम लोग देहरादून आए तो अपनी कजन से जरूर मिले. सो अभी इसका कॉलेज पढ़ाई चला रही, मतलब पढ़ाई करा रही है वो बच्चों को. सो दो मिनट के लिए आई थी, अभी शाम को मिलेंगे. तो भाई मसूरी की चढ़ाई हम लोगों ने शुरू कर दी है और इस वक्त धनाधन गाड़ी आ रही है भाई, ऊपर से भी पीछे से भी हर जगह से. और मौसम काफी सही है, मतलब धूप निकली भी अच्छी खासी, ठंड इतनी ज्यादा नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन सुबह और शाम को होती है काफी. तो अभी होटल को पहुंच के मैंने पता किया था जो रिसेप्शन वाली मैम है कि भाई फॉग का क्या सीन है यहाँ पे. सो कह रही कि फॉग तो नहीं होता फिलहाल अभी. मैंने कहा बढ़िया, अगर फॉग नहीं होता तो यार. तो भाई अपन आ गए हैं मसूरी, यहाँ पे अपना कटेगा टिकट. कितना भाई जी? 60 रुपये. हाँ मालिक, ठंडे में धूप पड़ रही गाड़ी के अंदर तो फिर गर्मी लगती है ना. शुक्रिया भाई. वही तो है स्किन बन, उसी की तो बात कर रहा था कि आपसे वो लगा लो करके. यही तो होता है वैली में, और क्या होता है. सो भाई अपन ने गाड़ी में चलाया हुआ एसी, बिकॉज गर्मी लग रही है बीच बीच में. तो अपन बंद ऑन करके चला रहे हैं. वो भैया वही पूछ रहे थे एसी चला रखा है. वैली में यार अगर विंटर्स में आ रहे हो ना तो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा के आओ, बिकॉज चेहरा बहुत ज़्यादा या स्किन बहुत ज़्यादा बर्न होती है. या जीना को मैं यही बोल रहा था होटल में. सो भाई द ब्यूटी ऑफ मसूरी, सामने देखो यार लेफ्ट में अपने, क्या लग रहा है भाई, क्या ही लग रहा है, क्या ही बोलूँ, शब्द कम है मेरे पास. सो भाई सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया और यहाँ पे जाम लग गया है. करीब 2 मिनट से अपन वेट कर रहे हैं. किस चीज का जाम है कोई आइडिया नहीं है अभी. चक्का जाम दिखा रहा है कि 1:17 तक अपन पहुंच जाएंगे. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार, ये जाम ज्यादा लंबा ना हो. सो भाई जाम किस चीज का था कोई आइडिया नहीं है. अपने आप ही खुल गया 5 मिनट के अंदर अंदर, और अभी ऊपर को निकल रहे हैं अपन. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लास्ट टाइम भी आया था तब भी चल ही रहा था, अभी भी चल ही रहा है. अच्छा यहाँ पे गाड़ी रोकी हुई थी इन लोगों ने. सो कुछ गाड़ियां रोक ले रहे हैं ताकि एक टाइम पे या तो ऊपर जा सके या नीचे जा सके. सो वन वे ट्रैफिक ऐसे कर रहे हैं. अभी वो पीछे रिबन लेके खड़ा हुआ था रस्सी टाइप लेके. सो ये लोग अभी यहाँ पे ट्रैफिक रोका हुआ है इन लोगों ने. जैसे ही हम लोग ऊपर निकल जाएंगे तो ये लोग इनको छोड़ देंगे, पहले इनको जाने देंगे. सो एक कंस्ट्रक्शन के चक्कर में वो रखा है फिलहाल.
सो भाई यहाँ पे जाके पार्किंग मिली है, दिन का टाइम है सो पूरा पैक्ड है। सो अभी अंदर जाते हैं मैं और जीना। हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे भूखे हैं, तो पहले कुछ जाके खाते हैं और फिर ऊपर जाएंगे देखने के लिए। सो भाई ये लास्ट टाइम भी आए थे हम लोग यहाँ पे। सो सबसे पहले अपन आए कैफ़े भाई, जहाँ लास्ट टाइम अपन बैठे थे, और ये चेंज हो चुका है पहले से। लास्ट टाइम नॉर्मल सेटिंग थी, अभी फ़िलहाल वेंडर भी चेंज हो गए, यहाँ पे नए भैया आ गए। ये अपना गोलू लाली, और अपन लास्ट टाइम ना यहाँ नीचे नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड। एक मिनट रुको, मैं इसके बाद आगे से थोड़ा कम कर देता हूँ बिकॉज ऐसे दिखेगा नहीं। हाँ सो नीचे यहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए थे लास्ट टाइम, सो यहाँ जाएंगे अभी और ऊपर भी जाएंगे एक बार। पहले नीचे जाएंगे हम? पहले ऊपर चलेंगे, नीचे आते वक्त तो चल ही लेंगे, तो पहले ऊपर चलते हैं। लेकिन पहले कुछ खाते हैं यार, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, इससे पहले मौत हो जाए कुछ खाना ज़रूरी है। What's a गोलू लाली? I'll to die if I won't get food. So यहाँ से ये है पूरा व्यू यार। तो भाई फाइनली अपन टॉप में पहुंच गए, और लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आए थे सो इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अब ये कंप्लीट हो गया है। सो फाइनली बुद्धा की जो स्टैचू है वो कंप्लीट हो गई है। और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से।
ऐसे व्यू में ये स्टैचू और अपना गोली गोलूला। सो भाई यहाँ से व्यू देखो एक बार, पूरा हिमालयन रेंज स्नो से कवर्ड, पूरा का पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। सो भाई अब नीचे जा रहे हैं हम लोग, और ये प्रेयर फ्लैग देखो। महादेव कहाँ गया? कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। सो यहाँ पे मोनास्ट्री है, उधर से इधर से होते हो। सो बहुत ज़्यादा सुंदर मोनास्ट्री है यार ये, मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे, और पिछले दो बार से जब भी आया हूँ ये बंद थी बिकॉज ऑफ कोविड, अब फाइनली ओपन हुई है। और अगर फॉर एग्जांपल पावर ऑन किए करते हो ना, तो इसको दबाना है। अरे ये टेंपल लो दिखा दो, ये रिकॉर्ड होने लग जाएगा। जैसे ही कैमरा अलाउड नहीं है। सो ये टेंपल है बट अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो विल गो इनसाइड। आ रहा हूँ। सो ये है बाहर से जो व्यू है, सो अंदर होके आता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। और ये स्तूपा है, ब्यूटीफुल स्तूपा। सो जो भी बुद्ध स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ नीचे पढ़ते हैं और रहते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया उनका अलॉट है। और बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है यार। चलो यहाँ से रास्ता नहीं है। सो ये पूरा व्यू है यहाँ से। और ये सामने है टेम्पल। सो भाई फाइनली हम लोग दलाई हिल से वापस आ गए, और अभी हैं हम लोग मेरी कज़न के कॉलेज के बाहर। उसका कॉलेज अभी थोड़ी देर में ख़त्म होने ही वाला है, और यार ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ए फेस। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।